बॉलीवुड फिल्म लाइगर के फ्लॉप हो जाने के बाद अब जो है करण जौहर को लेकर एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली अपडेट आ रही है। करण जौहर के बारे में आप सबको पता ही होगा कि ये जो है हमेशा कंट्रोवर्सी किसी न किसी कंट्रोवर्सी से घिरे रहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर इनके ऊपर ये भी आरोप लगा है कि जब जो आउटसाइडर होते हैं उनको जो है इनके द्वारा ट्रोल्स भी किया जाता है। चाहे हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत की जब जिस टाइम डेथ हुई थी उस टाइम भी इनका नाम भी पब्लिक के सामने काफ़ी तेज़ी से आया था फिल्म को लेकर, जिसको लेकर इनका जो है बायकॉट करने को लेकर भी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने स्टार्टिंग से ही प्लान बना कर रखा था। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में जो फिल्म आई लाइगर वो भी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं फ्लॉप हो चुकी है, क्योंकि अभी तक की जो कमाई उसने की है वो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है, जिसको लेकर तरण आदर्श से लेकर हर किसी ने इनको जो है इनके ऊपर निशाना साधा है। और लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में करण जौहर के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया, जहाँ पर उनके द्वारा बोला गया कि ये जो बायकॉट करने की बात कर रहे हैं या जो मूवी को नहीं देखना चाहते हैं तो वो मूवीज को ना देखें, हम उनके सर पर बंदूक लगा के नहीं बोल रहे हैं कि वो जाकर मूवी देखें। यही नहीं, उनके द्वारा ये भी बोला गया कि ये जो हमारे मूवीज का गलत रिव्यू कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ ट्रोलर्स हैं, और हम जो है ऐसे ट्रोलर्स का हमारे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि करण जौहर के द्वारा बोला जा रहा है कि जिसको मूवी देखना हो वो जाए, हम उनको जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, अगर आपका मन है तो आप जाकर मूवी देख सकते हो, अगर आपका मन नहीं है तो आप मूवी देखने मत जाओ। इसके साथ में ही उनके बोला गया कि सोशल मीडिया पे जो भी हमारे खिलाफ में टिप्पणी की जा रही है इसके पीछे का सिर्फ एक रीजन है, ये सारे लोग जो है ट्रोलर्स हैं और हमें जो है इन ट्रोलर्स से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये जो है करण जौहर के द्वारा बोला जा रहा है, जबकि उनकी मूवी एकदम फ्लॉप होने के कगार पे आ गई है उसके बावजूद भी। बाय द वे, करण जौहर के द्वारा दिए गए इस स्टेटमेंट पर आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।